कोरबा में साई प्रसाद कंपनी की संपत्ति होगी नीलाम। 2400 वर्ग फुट में बने रीजनल दफ्तर को बेचकर निवेशकों के लिए जुटाएंगे रकम। कोरबा में साई प्रसाद कंपनी सहित 18 चिटफंड कंपनियों ने कारोबार कर करीब 70 से 80 हजार निवेशकों से धोखाधड़ी की है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की कार्रवाई की। जांच पड़ताल में साई प्रसाद सहित 3 कंपनियों की ही संपत्ति जिले में मिली, जिन्हें सीज कर लिया था, लेकिन अब तक संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिली थी। निवेशकों को राहत दिलाने जिला प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसमें साई प्रसाद कंपनी के कोर्क की गई संपत्ति को नीलामी की स्वीकृति दी गई। नीलामी से मिलने वाले रकम को कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को निर्धारित अनुपात के हिसाब से लौटाया जाएगा। कलेक्टर रानू साहू के मुताबिक संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई 12 फरवरी को तहसील कार्यालय कोरबा में की जाएगी। इसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। साई प्रसाद कंपनी में ही 20,000 से अधिक निवेशकों के 5 करोड़ से ज्यादा रकम फंसी है। ट्रांसपोर्ट नगर में विजया टॉकीज के पास पटवारी हल्का नंबर 16 के खसरा नंबर 188/1 भूखंड क्रमांक 177 में साई प्रसाद कंपनी का 2 मंजिला भवन है। यहां कंपनी का रीजनल कार्यालय का संचालन हो रहा था। इसके जरिए कोरबा सहित आसपास के कई जिलों में कारोबार किया जा रहा था। यह भवन 2400 वर्ग फीट में फैला है। संपत्ति का ऑफसेट मूल्य सरकारी कीमत 1,33,91,355 रुपए है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।